नमस्कार पशुपालक साथियों, आप सभी का मधुबन पशु सेवा केंद्र चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पालतू पशुओं का अंधा हो जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, मधुबन पशु सेवा केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल दबा लें। आज के वीडियो में पशुओं के अंधे होने का कारण व निवारण के बारे में जानेंगे। पशुओं में अंधेपन का मुख्य कारण उसके शरीर में मिनरल व विटामिन ए की कमी है, परंतु कई बार किसी कारणवश या आपसी संघर्ष के कारण पशुओं के आँखों में चोट लगने से भी अंधापन हो सकते हैं। कभी कभी धूल कण पड़ जाने के कारण आँखों में रगड़ आने से भी पशुओं में अंधापन हो जाते हैं। हमने इस पशु के आँखों को आपके सामने दिखाकर स्पष्ट करने की कोशिश किया है कि पशु में अंधापन के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे इसकी आँखों को हमने स्पष्ट एक लेंस के माध्यम से आपके सामने इंडिकेट किया था, उसे आप गौर से देखें तभी आपको समझ में आएंगे। जैसे कभी कभी रगड़ जब आँखों में आ जाती है तो हमने देखा है कि आँखों की कॉर्निया तथा आँखों का ऊपरी लेंस जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वह पशु अंधापन का शिकार हो जाता है। हम कैसे पता करें कि हमारा पशु अंधा हो गया है? इसके आसान सिम्टम हैं, जैसे आँखों से लगातार पानी आना, आँखों का सफ़ेद हो जाना, आँखों का लाल हो जाना व पशु को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने पर पशु का नहीं देखना इत्यादि है। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि पशुओं में खेत में या जंगल में चरते समय अकौन का दूध आँखों में चले जाने के कारण भी अंधापन हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके उपचार की। सबसे पहले हम देसी तलीकों की बात करेंगे। आँखों को साफ करने के लिए नीम की पत्तियों को तोड़कर पानी में उबाल लेंगे तथा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। वह ठंडा होने के बाद अच्छी तरह साफ कर लेंगे तथा गाय का घी डाल देंगे। ध्यान रहे भैंस का घी नहीं हो, गाय का घी मात्र एक बूंद ही डालें। हम कुछ डॉक्टरी दवाओं के बारे में बात करेंगे। किसी भी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह व पशु को दिखाकर ही दवा लें। मुख्यतः विटामिन व मिनरल की बोलस एंटीसेप्टिक आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं तथा बोरिक एसिड लिक्विड घोल से आँखों को साफ किया जाता है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल।